और अगर आप नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन में प्रेस कर दे ताकि आपको नई वीडियो सूचना मिलती रहे। दोस्तों आज मैं पहले कुछ कमेंट्स के जवाब देना चाहूँगा, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। सकुमा एक्सपोर्ट पर मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए और काफ़ी मिली जुली प्रतिक्रिया रही। जो लोगों ने बहुत अच्छी क्वांटिटी उठा रखी है, ऑब्वियस सी बात है कि उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है और उस नुकसान में संभवतः जो भी सकुमा के बारे में बात करता होगा उसको लोग ऊटपटांग कहते होंगे। देखिए शेयर मार्केट है दोस्तों, आप कितना भी कुछ भला बुरा कहें मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उसका रीज़न है कि आप लोग वीडियो मेरा देखते ही नहीं पूरा, क्योंकि अब देखिए कैसे कैसे कमेंट्स आए। कुछ कमेंट्स मैंने डिलीट कर दिए हैं। सकुमा एक्सपोर्ट का क्या आने वाला है, एक साल में बाउंस बैक करेगी क्योंकि ये लोअर सर्किट लग गए हैं। अच्छा चलो आपका कहना है कि बाउंस बैक करेगी। यहाँ पे फिर इन्होंने कहा है कि अभी पैसा लगाने का मौका है सकुमा में, चलिए ठीक है। यहाँ पे अब्दुल साहब ने कहा वाह भाई वाह, बढ़ता है तो बोलते हो कि खरीदो और घटता है तो बोलते हो कि दूर रहो। ठीक है आपने ऐसा कहा, उसका भी मैं जवाब देता हूँ। इस तरीके सकुमा पे कमेंट्स लोगों के भरे पड़े हैं। कुछ लोग कह रहे हैं वेरी यूज़फुल, अशोक लेन का क्या रिव्यू है, और इन्होंने कहा है कि मैं 500 शेयर लिए 19 पे, सर अब क्या करें, होल्ड की सेल। मैंने क्या कहा, चौहान जी होल्ड करिए, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि आपके पास कितनी क्वांटिटी। इन्होंने लिखा कि मेरे पास 500 क्वांटिटी है, 500 शेयर्स। तो दोस्तों मैं हर वीडियो में एक चीज़ कहता हूँ जो शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आप लोग वीडियो नहीं देखते हो, आप लोग स्टॉक का थंबनेल देख के माल ख़रीदते हैं और वो भी जी जान से ख़रीदते हैं, पूरा पैसा ही निचोड़, क्योंकि आप कल ही करोड़पति बनना चाहते हैं। और मैं कभी नहीं बताता अपने चैनल पे कि मैं आपको 6 महीने में या 1 साल में करोड़पति या लखपति बना दूंगा, मैंने कभी नहीं कहा। कुछ चीज़ें जो मैं कहता हूँ, जैसे मुझे सकुमा पे कई ऐसे लोगों के कमेंट्स आए हैं, मैं उनको सम्मानपूर्वक ये बात कहना चाहता हूँ कि कुछ लोगों ने ये कहा कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए क्योंकि आपने कहा था कि स्टॉक भर भर के बोरे भर लो। भाई बोरे भरने के लिए मैंने कब कहा था, थंबनेल पे कहा था। आपने पूरा वीडियो नहीं देखा मैंने अंदर क्या कहा था, आप जाइए वीडियो देखिए जिसमें मैंने बोरे भरने को कहा था। उस समय कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, कंपनी जब स्प्लिट हुई उसके बाद से छोटी प्राइस उसके 10 टुकड़े हो गए। सकुमा एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, छोटी प्राइस के बन गया, आपको लगा कि आहा मज़ा आ गया, आप लोगों के पूरा पैसा झोंक दिया। कंपनी नो डाउट एक्सपोर्ट की अच्छी कंपनी थी, अच्छा परफॉर्म कर रही थी अच्छे रिजल्ट से, अचानक नतीजतन उनके जो है नतीजे बेकार आने लगे एक दो क्वार्टर से, और प्रमोटर्स ने शेयर गिरवी रखने शुरू कर दिए, ट्रेड वॉर शुरू हुए। इनका 60% से ज़्यादा एक्सपोर्ट से रेवेन्यू आता है जो कि बहुत घट गया है। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि बाहर इनका माल सप्लाई नहीं हो रहा, डोमेस्टिक में भी नहीं सब हो रहा। तो क्या यह कंपनी ख़त्म हो जाएगी, क्या यह कंपनी डिलिस्ट हो जाएगी? क्या मैंने ये कहा है कि आप 2 महीने के लिए होल्ड करिए आप करोड़पति बन जाएंगे? मैंने क्या कहा है कि 3 साल 5 साल 10 साल 20 साल मिनिमम इतना तो आप रखिए। आप तो 2 महीने में घबरा गए, तो कैसे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं ज़रा मुझे बताइए। दूसरी चीज़ मैंने, और ये हर अल्टरनेट वीडियो पे कहता हूँ कि कभी भी एक सेक्टर एक स्टॉक पे पूरा पैसा मत लगाइए। मैं हज़ारों वीडियो में कहा हूँ, जितने मेरे वीडियोस हैं उनमें सब में कहा है मोस्टली, कि कभी भी अगर आप कोई उदाहरण के लिए शेयर ख़रीदते हैं तो 100 रुपये में 10 रुपये का ख़रीदिए, 90 रुपये रखिए अपने पास, एक साथ लमसम मत लगाइए। मैं हर वीडियो में कहता हूँ। तो क्या आपने सकुमा पूरा भर लिया था? पड़ा रहने दीजिए ना। और मैंने कहा कि अगर लगता है आपको अच्छी कंपनी है तो अपनी सूझबूझ के हिसाब से उसमें एवरेज कीजिए। मैंने बजाज फाइनेंस के भी स्टॉक बनाए, मैंने ब्रिटानिया के भी बनाए, मैंने इन्फोसिस के बारे में कहा था जब 720 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, 3-3 वीडियो बनाए थे, भर लो। आपने लिए क्या? 800 रुपये का भाव चल रहा है, IT सेक्टर पूरा जो हरे के निशान पे दिख रहा है, इन्फोसिस आपने लिए? नहीं लिए। मैंने भारतीय स्टेट बैंक का स्टॉक बताया था जब उस समय 280 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, जब नया नया मैंने वीडियो बनाना शुरू किए थे, मैंने कहा 350 पे निकल जाना। कुछ लोगों ने हो सकता है शायद लिया हो, ध्यान दिया हो, फिर वो 280 के आसपास 270 के आसपास ट्रेड कर रहा है, क्या फिर लेना नहीं बनता? मैंने कभी नहीं कहा कि वो आप 5 साल 10 साल के लिए होल्ड करो,
मैंने कहा 350-400 पे निकल जाना, आपको अच्छा मिल जाएगा, उसके बाद अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। ITC पे मैंने अभी फिर से वीडियो बना दिया है कि ITC ख़त्म हो जाएगी, इतनी बड़ी कंपनी क्या डिलीस्ट हो जाएगी। अच्छे स्टॉक्स आपको महंगे लगते हैं, 700 रुपये वाला आपको महंगा लगता है, आप अच्छी कंपनियों के स्टॉक्स में ध्यान देते नहीं। मैं अपने चैनल पे कभी भी छोटे प्राइस या बेकार कंपनी, छोटे प्राइस के बताता हूँ, बेकार कंपनी के नहीं बताता स्टॉक्स। अगर कोई बहुत ज़्यादा मुझसे पूछता है तो मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ, तो वीडियो में अंदर कहता हूँ कि जो है पूरा एनालिसिस करके कि इसमें क्या करना चाहिए, लेकिन आप थंबनेल देख के स्टॉक खरीद लेते हो। थंबनेल पे बहुत सारी चीज़ें नहीं कही जा सकती, उसमें जगह नहीं होती। तो बिना वीडियो देखे आप किसी, आप जो पैसा है लगाने से पहले रुके। और फिर मैं अपनी वीडियो में हमेशा यही कहता हूँ कि मैं सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ख़रीदना बेचना सिर्फ आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र तय करे और आपकी अपनी सूझबूझ होनी चाहिए। क्योंकि अच्छी चीज़ें मैं बताता हूँ, उनकी रिजल्ट्स बताता हूँ, कंपनी की वेबसाइट पर जाकर कंपनी के बारे में बताता हूँ, प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूँ, टेक्निकल चार्ट नहीं बताता। क्योंकि टेक्निकल चार्ट सिर्फ ट्रेड उनके लिए होता है कि पिछला पास देख के आगे का बता दें कि अब किस लेवल तक जा सकता है, वो शॉर्ट टर्म के लिए। मैं टेक्निकल चार्ट नहीं बताता, कंपनी क्या करती क्या बनाती, भविष्य में क्या इसके प्रोडक्ट बिकते रहेंगे, क्या इनका जो 10 सालों में इतिहास रहा है, जो जिस हिसाब से ये रिटर्न देती आई हैं, क्या भविष्य में देंगी, उस पास्ट को देखते हुए हम फ्यूचर का अनुमान लगाते हैं। मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि मैं बता दूँगा आपको। मैं क्या, बड़े बड़े दिग्गज भी फंसे पड़े हैं, आप नहीं, बड़े बड़े फंड हाउसेस, LIC जैसी कंपनी, कितनी कंपनी में LIC ने कितने बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखा है, उसके पैसा, उसका पैसा डूबा हुआ है, झुंझुनवाला साहब का पैसा फंसा हुआ है। तो हम लोग तो छोटे निवेशक, हम समझदारी इसका परिचय नहीं देंगे तो क्या करेंगे। तो मैं फिर से कहता हूँ कि अच्छी कंपनी का, जो हमेशा अच्छी कंपनी का मैं स्टॉक बताता हूँ, अगर कोई कंपनी अभी परफॉर्म अच्छा नहीं कर रही तो उससे दूर रहने के लिए मैं सलाह देता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने शेयर भी बेचते हैं। मैं शेयर बेचने के लिए नहीं कहा सकूँगा, मैंने कहा लॉस मत बुक करिए, अभी देखते हैं कहाँ तक जाता है। आपने पूरा वीडियो देखा ही नहीं, आपने बस पूरे वीडियो मैंने क्या क्या उसका आकलन किया ही नहीं, बस आप एक तरफा जो है आप नाराज़गी आपने जाहिर कर दी। खैर कोई बात नहीं, आज मुझे सिर्फ सकुमा के बारे में ही आपको थोड़ा सा गुरु ज्ञान देना था, क्योंकि डांटना भी था। और ये आप लोग का प्यार है कि आप लोग कमेंट्स करते हैं। और फिर से मैं आपसे एक विनती करूँगा कि अच्छे स्टॉक्स हमेशा ख़रीदें, मैं कभी बेकार कंपनियों के बारे में नहीं बताता, कंपनी का एनालिसिस करता हूँ। देखिए टाटा मोटर्स के बारे में मैंने कभी नहीं कहा कि आप माल खरीदिए, मैंने अशोक लेलैंड के बारे में बताया, मारुति सुजुकी के बारे में बताया, ऐसी कई ऑटो सेक्टर की कंपनियां बताई, लेकिन टाटा मोटर्स परफॉर्म नहीं कर रही है, ऑटो सेक्टर पूरा परफॉर्म नहीं कर रहा है। हमें उम्मीद है कि अशोक लेलैंड थोड़ा सा परफॉर्म करेगा, लेकिन 2-3 सालों में सॉरी हो सकता है बाउंस बैक करे, ऑटो सेक्टर में जाना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो टाटा मोटर्स खराब कंपनी है ना, वो अपने बिजनेस को लेकर कुछ उनकी समस्याएं हैं जो उलझे पड़े हैं, लैंड रोवर की वजह से, US चाइना ट्रेड वॉर की वजह से। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, ऐसे बहुत सारे नॉर्म्स होती हैं जिसकी वजह से बड़ी कंपनियां भी फंस जाती हैं। तो उन पे मैं वीडियो नहीं बनाता, या बनाता भी हूँ बहुत रिकमेंडेशन पे, तो मैं बता देता हूँ कि अभी स्थिति इनकी ऐसी, तो दूर रहिए। अब सकुमा के बारे में अगर मैंने ये बोल दिया है कि अभी अवॉइड करें फिलहाल, तो आप कह रहे हैं कि मैं जब बढ़ता तो मैं बताता हूँ, मैंने कहाँ कहाँ बढ़ रहा था जो मैं बता रहा था, जिस समय मैंने 35 रुपये के आसपास, 30 या 26 रुपये के आसपास, 30-32 के आसपास जब मैं लेने को कहा, तो कहाँ बढ़ रहा था, वो तो नीचे ही आ रहा था, कभी ऊपर जा रहा था कभी नीचे आ रहा था। तो दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि कभी भी पूरा पैसा एक सेक्टर या स्टॉक में ना लगाए। और ये शेयर मार्केट है, यहाँ 10 स्टॉक का कम से कम पोर्टफोलियो बना के रखिए, अच्छी कंपनियाँ भी रखिए, लार्ज कैप कंपनियाँ भी रखिए। और पूरे मार्केट में गिरावट है, धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, हर रात के बाद उजाला होता है, सुबह सवेरा होता है, और चूकिए मत। अगर आप लग सकता है तो अच्छी कंपनियों के माल उठाते जाइए, फिर देखिए 2-4 साल 5 साल बाद आपके आपको कितना पैसा बनता है। और अगर आप सिर्फ 2 महीने के लिए वेट करते हैं कि इससे बेच के हम इसमें घुस जाएं, इससे बेच के हम इसमें घुस जाएं, तो किसी कंपनी में आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। चलिए मैं अभी वीडियो वाइंड अप करता हूँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।